शिवपुरी के विवेकानंद की रहने वाली महिला ने आज कलेक्टर को आवेदन सौंपकर बच्चों की पढ़ाई एवं एक सदस्य की नौकरी की कलेक्टर से मांग की है। आपको बता दें कि महिला के पति ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। जानकारी के अनुसार सुनीता शर्मा पत्नी लवकुश उर्फ सोनी शर्मा निवासी विवेकानंद कॉलोनी ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि उसके पति ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। वहीं डंडा बैंक वालों के डर से उसने आत्महत्या की थी और जब उसकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई हेतु काफी परेशानी आ रही है। कमाने वाला नहीं है, परिवार में 8 से 10 सदस्य हैं, सास ससुर भी काफी वृद्ध है, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और आंखों से कम दिखता है। इसलिए मुख्यमंत्री अनुदान कोष से या किसी अन्य कोटे से आर्थिक सहायता राशि दिलाई जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्या नाम है दादा तुम्हारा? मेरा नाम सुरेश शर्मा है। क्या शिकायत लेके आप जन सुनवाई में आए हो? डंडा बैंक द्वारा मेरा बच्चा खत्म हो गया जहर खा के। अब जो हमारे यहाँ वही कमाने वाला था, एक उससे छोटा बच्चा है, वो अंधा है और मेरी 65 साल की उम्र, मेरे घर से भी जो 55 साल की उम्र है वो भी बीमार रहती है 24 घंटे। थायराइड बढ़ गई है, शुगर से जल्दी से ज़्यादा परेशान, पानी निकल जाए ऊँटों में से। और तो कितने बच्चे उनके यहाँ पे हैं? अब हम 2 बच्ची शादी ला गए जवान और 8 प्राणी हैं। हम खाने की व्यवस्था नहीं है, मेरे ससुराल वाले 25.5 के यहाँ से मेरे यहाँ भोजन आए, 1 बोरी गेहूँ डाले गए, उससे हमारी पार पड़ गई। अब हम कुछ नहीं है, अब हम मरेंगे भूखे। तो क्या आश्वासन आपको दिया गया था? मुझे दिया है कि मजदूरी का कार्ड बन जाएगा बहू का, मजदूरी के कार्ड से कैसे पार पड़ेगी। तो फिर आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ किसी विभाग में बहू को पानी पिलवाने या वो कोई इधर उधर फाइल वाल करने, कोई 10-12 हज़ार की मजदूरी मिल जाए विभाग में। तो मेरा महाराज निवेदन है न्यायाधीश महोदय से कि मेरे ऊपर कृपा करें तो मेरा पेट पल जाएगा। 8 आदमी हमारे जीवन दान मिल जाएगा, 8 आदमी नहीं हम बुरी तरह मरेंगे। कोई देता है नहीं, अब वो किसको देता है।